आगरमालवा जिले में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग में आए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, कोरोना काल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 40% हो गई थी। आगरमालवा में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग में आए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि पिछले समय कोरोना का संकट सारे विश्व में आया था, जिससे देश प्रदेश बुरी तरह प्रभावित हुए थे। विश्व के साथ देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। मैं वित्त मंत्री होने के नाते कह सकता हूं कि कोरोना काल में जितना रेवेन्यू आता था जन विभागों से आता था, उसमें 40% वो डाउन हो गया था। रोजगार रुक गए थे, आवागमन रुक गया था, मजदूरी रुक गई थी, काम धंधे बंद हो गए थे। अब जिंदगी पटरी पर आई है। उन्होंने कब क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो जिम्मेदार मंत्री है। आप अगर कभी कुछ समझे तो उनसे जरा संवाद कर लें, बात कर लें। अच्छा, और जिस तरह से अभी ये किसान कानून वापस लिए गए, जितनी दमदारी से इन कानूनों को लाया गया था और फिर वापस लिए गए, आखिर क्या मजबूरी मानते हैं कि किस तरह की मजबूरी सामने थी? कानून बहुत अच्छे थे, कानून आज भी अच्छे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं हम समझाने में असफल रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि कानून में कोई कमी नहीं है। कानून बहुत ही अच्छे कानून थे, लेकिन कहीं समझाने में हो सकता है कि हम नहीं समझा पाए। ये बात देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कही और हम सब भी इस बात को कह रहे हैं। विपक्ष द्वारा तो कहा जा रहा है कि जो ना ये कानून इसलिए वापस लिया है कि बीजेपी को एक खतरा के चुनाव में कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नीचे बूथ स्तर से चलने वाली हमारी ये पार्टी नीचे से ऊपर तक चलती है। और आज परमात्मा की कृपा से मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जितने काम हो रहे हैं, चाहे विकास के हो, फिर चाहे जनकल्याणकारी योजनाओं के हो, ये यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में तो आपने देखा ही है परिणाम, कांग्रेस की स्थिति क्या है। 15 माह की सरकार सभी लोगों ने देखी। तो ये कानून वापस आ सकते हैं क्या? माना जाए अच्छे चीज़ें हैं तो वापस आ सकते हैं, संभावना क्या? मैं आगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो निर्णय लेना है वो वहाँ ऊपर स्तर पर लेंगे। सारी स्थितियों को अलग रखते हैं अपन, तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को आप क्या मानते हैं? आप बड़ी जिम्मेदारी उसकी निभा रहे हैं। पिछले दशक अपन ने, पिछले वर्षों हमने देखा है कि कोरोना का महासंकट था, पूरा विश्व प्रभावित हुआ, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, देश की भी गड़बड़ाई, प्रदेश की भी गड़बड़ाई। मैं वित्त मंत्री के नाते कह सकता हूँ कि उस कार्यकाल में जितनी रेवेन्यू हमारी आती है, सारे जिन डिपार्टमेंटों से जितनी भी आती है, 40% डाउन गई थी। अब वो हर बच्चे को ये पता है कि उस समय सारे रोजगार रुक गए, उद्योग रुक गए, आवागमन के साधन रुक गए, मजदूरियां रुक गई, व्यापार रुक गए, सभी चीज़ें ठप हो गई थी। इस बात को हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ जो रेवेन्यू की है वो पटरी पर आई है और काफ़ी जंप किया है। तो मुझे लगता है कि अब स्थिति देश की भी सुधरी है और प्रदेश की भी स्थिति। इन सब के बाद भी हित लाभ जो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, कन्यादान की योजना की राशि या अन्य योजनाएं जो राशियां नहीं पहुंच रही है, आप अगर कोरोना काल की अगर बात करें, कोरोना काल में अगर कहीं एक मामला, एक टीचर जो जिनकी चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी, उनको हित लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा, पेंडिंग सी आ रही स्वीकृति के बाद, तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक कोई ऐसा हो सकता है, तो अगर कोई संज्ञान में आएगी तो हम कहाँ कोई कमी रही होगी, कहीं प्रक्रिया में कमी रही होगी तो हुआ होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं राशि कहीं रही हो। मुझे नहीं लगता, सभी योजनाओं का बराबर लाभ मिल रहा है लोगों को, और केंद्र की योजनाओं का भी आप देख लें, इस संकट की घड़ी में 80 करोड़ लोगों को अनाज का प्रबंध करवाया, मुफ्त में वैक्सीन का प्रबंध करवाया, ये कोई छिपाने की बात नहीं है, ये तो जग जाहिर है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कितनी चिंता इस समय की है। ये मानव धर्म का पालन भी किया उन्होंने, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं आएगी। और आवश्यक कामों में, मध्य प्रदेश में भी कभी मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि जो भी आवश्यक काम होंगे, जो जरूरी खर्चा होगा उसको करेंगे।
सर, ये पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, चुनाव नज़दीक ही दिख रहे हैं, भाजपा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? पूरी तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक तैयार है, पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक के चुनाव कभी भी कहीं भी हो पार्टी हमेशा तैयार रहती है और अभी भी तैयार है पार्टी। पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। थैंक यू।